मध्य प्रदेश की इस धरती पर एक ऐसे शख्स आज हमारे बीच बैठे, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो नहीं देखा, उनका नाम बहुत सुना है, लेकिन हमको ध्यान में आता है कि माननीय अमित जी को देख लो तो अपने आप याद आ जाती है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय हमारे अपने यशस्वी गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का, मंच पर विराजमान अभी अभी यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सिंधिया जी ने अपना विषय रखा, जोरदार अभिनंदन सिंधिया जी का। और समय की कमी है तो पूरे मंच का जोरदार ताली बजा करके समूचा मंच और आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं बहुत संक्षेप में दो तीन बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको विस्तार से सुनना है, विलंब हुआ है। हमारे हमको कितना अच्छा लगता है, यशस्वी गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की धरती पे आह्वान किया था कि फिर एक बार भाजपा सरकार बनना चाहिए, और जनता ने उसको कितना जबरदस्त लिया, 163 की संख्या के साथ सरकार बनाई। मैं आपका आभार मानता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं, और उसी के बलबूते पर हमने कुछ निर्णय भी किए। आपको ध्यान में होगा कि ये गुना और अशोकनगर, यहाँ की युवा शक्ति, युवा विद्यार्थी, पहले ग्वालियर जाकर के विश्वविद्यालय तक उनका संबंध रहता था, लगभग 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमने इस 2 माह के अंदर आपकी अपने विश्वविद्यालय बना करके गुना के अंदर एक नई सौगात दी, शिक्षा का मंदिर खोला, जिसके बलबूते पर 50 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर ही हमारे अपने 78 महाविद्यालय उसमें जोड़े हैं। आपको ध्यान में होगा हमारी एयर एम्बुलेंस से लगा करके मध्य प्रदेश में यशस्वी माननीय गृह मंत्री बैठे हैं। आपने हमको बड़ी सौगात दी माननीय मोदी जी के माध्यम से, अयोध्या में राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी अपनी आपकी सरकार के माध्यम से मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। तो हमने तय किया कि चित्रकूट की धरती हमारे मध्य प्रदेश में भी है, और भगवान कृष्ण भी उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे। तो सरकार ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने, आने वाले समय में भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीला की, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके उसका आनंद के साथ हम अपने इस अविस्मरणीय इतिहास को पुनर्जीवंत करेंगे। एक और बात खास करके आप ध्यान रखना, हमारे अपने परिवार के अंदर कृषि विकास दर तो बहुत हो गई, लेकिन गुजरात की तर्ज पर आने वाले समय में सभी पशुपालकों के लिए, आपके अपने घर में अगर पशुपालन होता है तो जैसे हम अपने गेहूं पे, धान पे बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध खरीदने पे भी अपनी सरकार ने निर्णय किया कि बोनस दे करके बड़े पैमाने पे पशुपालन की व्यवस्था बढ़ा करके किसानों की आय बढ़ाने का नया रास्ता खोलेंगे। जोरदार ताली बजा करके अमूल डेयरी की तर्ज पर यह हमारी पूरी योजना है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके माननीय अमित जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, और अब मैं सीधे सीधे भाई साहब को आमंत्रित कर लेता हूं, समय की कमी, जोरदार ताली बजाकर माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें।